करने वाले हैं एंजलफिश ब्रीडिंग बिहेवियर और पेयर फॉर्मेशन के बारे में। तो बेसिकली मैं एक टोटल सीरीज बना रहा हूँ जिसमें एंजलफिश ब्रीडिंग के पेयर फॉर्मेशन से लेके बेबीज तक ये टोटल स्टेप वाइज में दिखाया जाएगा। बेसिकली ये वीडियो उसी सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो था हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एंजलफिश, उसका लिंक शायद इधर पे कहीं आ रहा होगा, सो आप जाके देख सकते हैं। और ये सीरीज़ के टोटल अपडेट के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटे को ज़रूर दबा दीजिएगा, तब आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। सो गाइड्स लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, एंजल फिश एक बहुत ही कॉमन फिश है इस फिश कीपिंग हॉबी में, और ये शायद हर कोई रखता है और हर कोई रखना भी चाहता है। तो और बहुत लोग इसको ब्रीड भी करवाना चाहते हैं, तो लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं। बेसिकली मैं ये टोटल वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारगर होगा और आपको हेल्प भी करेगा। तो गाइस, पहला जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत कोई सोचते हैं कि एंजल फिश लाओ और ब्रीड करो हो जाएगा, ऐसा कोई बात है नहीं। एंजल फिश को एडल्ट होने में कम से कम 12 से 18 महीने लगते हैं, और कुछ कुछ स्पीसीज तो उससे भी ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे ऑटम एंजल फिश, वो लगभग एडल्ट होने में या पेयर फॉर्म करने में, वो होता लकीली भी है, वो लगभग 2-2.5 साल के आर पार चल जाता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके कुछ रिजल्ट आपको मिल सकता है। ये पेयर बनाने के लिए मैं जो बोलना चाहूँगा कि आप जनरली वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक वो लोग ब्रीडिंग मोड में नहीं आ जाते हैं, या फिर उन लोग के प्रॉपर साइंस निकल के आते हैं। तो जनरली पेयर फॉर्म करने के लिए हम लोग जो करते हैं 10-12 या 10 एटलीस्ट सेम स्पीशीज़ के एंजल फिश को एक टैंक में रखते हैं, उसको ग्रो आउट करते हैं। तो जनरली उस बैच से आपको एक या लकली दो पेयर तो आराम से मिल जाता है, लेकिन वही एक बात है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 1 ईयर, कम से कम, उससे नीचे नहीं होगा। सो गाइस, पेयर फॉर्मेशन और ब्रीडिंग बिहेवियर के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए हैं, तो मैं एक एक करके वो सब बताऊंगा। तो पहला जो सबसे कॉमन बोल सकते हैं या एकदम प्रिलिमिनरी साइंस रहता है कि जो पेयर, जो मेल या फीमेल, मेल और फीमेल पेयर बनाएंगे, वो लोग आप नोटिस कीजिएगा कि सारा दिन एक ही साथ स्विम अराउंड करेंगे, एक ही साथ घूमेंगे, एक ही साथ मतलब वो दोनों इकट्ठा रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा पहला साइन, तो आप बोल सकते हैं ये तो बहुत कोई करता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। तो अगर कोई पेयर फॉर्म कर लिया है, अच्छा, तो वो लोग कुछ दिन में अगर एक देने वाले हैं या जो भी हो, अगर मान लीजिए कि पेयर फॉर्म हुआ है, तो देखिएगा कि वो लोग टैंक के कोई भी एक जगह को पर्टिकुलरली मार्क कर लेंगे। शायद वो कोई प्लांट हो सकता है, आपका फिल्टर हो सकता है, या कुछ भी, कोई भी एक प्रॉपर एरिया को वो लोग अपना जोन बना लेंगे और उसे गार्ड भी करेंगे। उस एरिया में कोई भी फिश को आने भी नहीं देगा, अगर कोई फिश आ भी जाता है तो वो लोग उसे अटैक करके भगा देंगे, ठीक है। ये रहा दूसरा पॉइंट। अच्छा, तीसरे पॉइंट में मैं बताना चाहता हूँ कि फीडिंग के टाइम, जब आप फीड कराएंगे उन लोगों को, आपके कम्युनिटी टैंक हो सकता है, जब आप फीड कराएंगे उस टाइम देखिएगा कि वो दो फिशेस बहुत ही एग्रेसिव हो जाएंगे, मतलब फूड के लिए हो या जो भी कारण हो, वो लोग बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। ये रहा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट, एक्चुअली ये पॉइंट है नहीं पर फिर भी पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि एंजल फिश जो लिप लॉक करते हैं वो उनका मतलब पेयरिंग या ब्रीडिंग का साइन होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ कि वो लोग फाइट करते हैं, ओके, डोमिनेशन के लिए फाइट होता है वो, गर्ल्स के लिए, मतलब फीमेल के लिए भी हो सकता है और गर्ल्स मेल के लिए भी हो सकता है। बट इन जनरल मैंने जितना पेयर निकाला है या जो भी हुआ है मेरे साथ, तो मैंने देखा है कि मेल ही ज़्यादा लिप लॉक करके, मतलब दूसरा मेल के साथ वो फाइट होता है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि वो पेयरिंग के लिए मतलब चलता है, लेकिन एक्चुअल में वो लोग डोमिनेट करने के लिए और फीमेल को विन करने के लिए, वो लोग अपना डोमिनेट करने के लिए वो लिप लॉकिंग करते हैं।
पांचवा पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा, ये बहुत ही वाइटल और कंफर्म साइन रहता है उन लोगों के बीटिंग के लिए, कि वो लोग जो जगह को गार्ड कर रहे थे, मतलब जो जोन को वो लोग अपने लिए गार्ड कर रहे थे, आप लोग देखिए उसी जोन में वो लोग ग्लास हो सकता है, फिल्टर हेड हो सकता है, आपका पावर टॉप फिल्टर का जो पावर हेड होता है वो हो सकता है, तो वो एरिया को वो लोग क्लीन करना चालू करेंगे। ठीक है, क्लीन यू इसलिए करते हैं क्योंकि उसी जगह पे वो लोग एक्स देने वाले हैं, तो ये एक प्रॉपर इंडिकेशन है कि आपका जो मेल या मेल और फीमेल है वो लोग पेयर बना चुके हैं एंड दे आर गोइंग टू ब्रीड। ओके, सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है, जब आप वो लोग क्लीनिंग का काम शुरू कर देता है तो दैट्स मीन दे हैव फॉर्म्ड अ पेयर। ओके, नंबर सिक्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोग देखिएगा कि मैंने मेरे आगे वाले वीडियो में के बताया है कि हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एंजेलफिश, तो उसमें मैंने बताया कि ब्रीडिंग, मतलब ब्रीडिंग करने से शायद एक या दो दिन पहले फीमेल का जो ब्रीडिंग ट्यूब है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, और मेल का भी बाहर आ जाता है, और फीमेल का बेली थोड़ा मोटा भी हो जाता है, ये भी एक इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो अगर उन लोगों का ब्रीडिंग ट्यूब आ गया और फीमेल थोड़ा उसका पेट थोड़ा फूल गया, दैट्स मीन दे आर गोइंग टू ले एक वेरी सून, विद इन वन और टू डेज। ठीक है, ये चीज़ होता है, मतलब ये और वो लोग का क्लीनिंग का काम लगभग एक ही टाइम में चलता है। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है, हाँ ऑब्वियसली रिसर्च तो किया ही है, सो दैट्स इट। इस सारे पॉइंट्स को मिला के आप उन लोगों के ब्रीडिंग बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैंने किया है, होपफुली आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो इस सीरीज़ के ऊपर, वो है ब्रीडिंग प्रोसेस, मतलब एग लेइंग प्रोसेस और वाटर कंडीशन, या आप बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट, टैंक सेटअप, इसके ऊपर एक वीडियो आएगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो ये वाला आएगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, तो घंटे को ज़रूर बजा दीजिएगा, तब तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।